पाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार रीका बंकर चौराहे के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। सीओ सिटी अरविंद सिंह चौरसिया ने बताया कि सूचना मिलने पर रीका बंकर मनुजा कॉलेज के पास से महाजनी टोला से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानी देही पर जिला चिकित्सालय के सुलभ शौचालय के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस आरोपियों ने कूड़ादान के बगल में छिपाया था। इनके पास से 1 दर्जन चाबी भी बरामद की गई है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी बताएं भैया, ये मामला पूरा क्या है? देखिए, हमारे यहाँ कोतवाली नगर क्षेत्र में आज चौकी रिकाबगंज द्वारा ये अच्छा कार्य किया गया है। इंचार्ज रिकाबगंज ने वहाँ पे जिला अस्पताल के पास एक आदमी आया, पसंद पड़ोस जो स्टैंड है वहाँ पे खड़ा रहा, तो स्टैंड वाले को कुछ शक हुआ। उन्होंने इसको सूचना दिया इंचार्ज को, और इंचार्ज गए वहाँ पे मौके पे। उन्होंने पूछताछ किया, देखा तो नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं थी, बिना नंबर प्लेट की थी। तत्काल उन्होंने कब्जे में लिया। पूछताछ के दौरान उससे चोरी की और भी बाइकें बरामद हुई, तो देखा गया कि टोटल 5 बाइकें बरामद हुई, जिसमें 2 बाइकों का नंबर प्लेट और इस नंबर में भी छेड़छाड़ की गई है, तो उनके खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन दोनों लड़कों का जो पहचान हुआ है, जिसमें से एक दराबगंज का रहने वाला है जो थाना कैंट के अंतर्गत है, दूसरा एक आसिफ खान है जो महाजनी टोला के अंतर्गत का रहने वाला है। ये पहले भी आसिफ खान लूट में जेल जा चुका है, तो ये बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। लगभग 5 अदद मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो एक्सेट्रा, और इन दोनों को गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। Thank you.